हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ वैष्णवी एंड रियली होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो टुडे इज़ द वेडिंग ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड। अभी हम उठे हैं। आई एम हियर टू डू सम ब्रेकफास्ट। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट इज लुकिंग वेरी अमेजिंग, शो यू दैट इन जस्ट अ मोमेंट। लेकिन आज का दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला होने वाला है। सो लेट्स गेट अदिति एंड मोहित मैरिड। नाश्ता लेके जा रही हूँ मैं ऊपर। आंटी कॉफ़ी लेने गए हैं, वो लेके हम लोग ऊपर जाएंगे। अभी आई गेट रेडी, मैं बेल टेक अ बाथ एंड उसके बाद फिर सब मेकअप आर्टिस्ट का झमेला स्टार्ट हो जाएगा। सो या आई एम गोइंग टू डू माई ओन मेकअप। बस मुझे साड़ी पहनवाने के लिए कोई आने वाला है। या और मेकअप आर्टिस्ट इज हियर, तो उनको ही लेने जा रही हूँ मैं। ब्राइड का नाश्ता वगैरह सब हो गया है। अभी Now the makeup artist is here. I want to show her because her work is flawless. कल का मेकअप तो आपने देख लिया होगा। So just a second. So this is Charuta. Charuta, hi. Hi. So what we are planning for Aditi? We are keeping it very natural and neutral, subtle best, and with a pop-up of purple tint for eyeshadows. और थोड़ा सा न्यूट्रल लिप्स रखने वाले हैं। Yeah. Hair will be high bun. Okay. Yes. And as a bridal makeup artist, one step you cannot do without, like it's a necessary step. It's a CTM, cleanser, okay. Toner and moisturizer. Also the skincare is must. So and second will be, I think, lip gloss. Okay. And how do you keep your calm? Like इतना chaos चल रहा होता है आजू बाजू, इतने काम कैसे हो? मैंने कल भी देखा आपको, यू आर वेरी काम और बहुत आराम से काम करते हो। हाउ? एंड आप ब्राइड को भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, कैसे? इट्स जस्ट लाइक वो ब्राइड के लिए बहुत बड़ा दिन रहता है, सो उससे ज़्यादा काम रखना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक जब भी मैं ब्राइड करती हूँ, आई जस्ट थिंक अबाउट हर लुक्स एंड आई जस्ट थिंक अबाउट हर होल टाइम। लाइक कितना भी हो जाए वो अच्छी दिखनी चाहिए। True. She have to look pretty. It's her day actually. Yes, it's her big day. Her profile link will be in the description. Yes. Where do you work from? Where you take orders? With cities? Overall in Maharashtra. Okay. And I'm based in Pune, Kothur. Okay, fine. Yes. The struggle is real. Makeup artist चलो easy नहीं होगा। करो चाहिए ना। Let's get Aditi married. Now we are getting ready for Barat. I am so excited. Thank you.
फाइनली घर वाले लव मैरिज के लिए मान गए हेड ऑफ फेज. लुक एट हर, शी इज सो हैप्पी. दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गेट मैरिड टू योर बेस्ट फ्रेंड्स. इनके गप्पे खत्म ही नहीं हो रहे हैं. मंडप में बैठ के भी इनको गॉसिप करना है. सी, look at them, they are still laughing, giggling and sharing some inside information, I guess. छोटा सा ब्रेक लिया है. इसके बाद रिसेप्शन होगा, उसके लिए रेडी होना है. सो आई गेस आई एम गोइंग टू टेक हाफ एन आवर स्नैप. सो इट्स रिसेप्शन टाइम एंड दिस आउटफिट आई हैव मेड फ्रॉम स्क्रैच.
इसका वीडियो ऑलरेडी आ गया होगा चैनल पे, सो चेक दैट आउट. एंड अभी वी हैव द ब्राइड एंड द ग्रूम. फाइनली हम बात कर पा रहे हैं इनसे क्योंकि सुबह से सिर्फ भाग रहे हैं. कैसे लग रहा है फाइनली मैरिड? एक नंबर. मुझे तुझे तो 7-8 दिन लगेंगे खुशी होने के लिए कि शादी हो गई है. व्हाट अबाउट यू? एकदम मस्त एक्सपीरियंस है. 8 वर्ष थांबलेलो याच्यासाठी. हां एकदम एक नंबर वाटते. असं एक्सप्रेस पण नाही करतो. एक्सप्रेस करताना पण ब्लँक होते. ओ गॉड. चला आता एंट्री आहे, पटापट जाऊया आपण. Komal, she is just 18, has been such a great help in this wedding. She has choreographed every single dance and बहुत ज़्यादा help किया इसने. तुला कैसा लगता है Komal? Finally, वाला लगना. Happy feel होता है कि आदित्य जी like happily married झाली है. आने वाली help included है, that makes me feel so happy about it. But we have enjoyed a lot, like crazy amount. I like her company a lot. Yes, बहुत मजा किया हम लोगों ने. बहुत अच्छी वाइब मैच हुई है. अभी हम मिलेंगे. बाहर भी मिलेंगे. For sure. Yes. So this is Amruta Dai. Hello. कसं वाटतं तुला फायनली झालं लग्न एवढ्या वर्षांनी? खूप छान वाटतंय. खूप आनंद झालाय की त्यांचं सक्सेसफुली झालं लव्ह मॅरेज विथ फॅमिली परमिशन. मग एक टिप और एक मेसेज फॉर मोहित. एक टिप और एक मेसेज फॉर मोहित. हाँ तेच की दोघ जण एकत्र राहा आणि दुसऱ्यांची साथ द्या आयुष्यभर. बस नथिंग एल्स. दिस इज ब्राइड्स मदर, आदिति की मम्मी, मेरी सेकंड मम्मी बाय द वे. बहुत सालों से मैं इनके घर पे जा रही हूँ. काकू कसं वाटतंय फायनली झालं लग्न? खूप छान आहे, मी खूप खुश आहे. एक कसा वाटला म्हणजे कार्यक्रम कसा झाला? खूप छान कार्यक्रम झाला. खूप छान. डेकोर वगैरे मस्त झालं होतं. एकदम मस्त झालं होतं. आणि टाइम टू टाइम पण सगळे कार्यक्रम स्टार्ट झाले. तुम्हाला एक एन्जॉय केलाय खूप जास्त. तुम्हाला जर एक मेसेज द्यायचा असेल मोहित आणि आदितीच्या सुखी संसारासाठी काय द्याल? त्या दोघांनी एकमेकांना सांभाळून घ्यायचं बस एवढंच. हेच इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे चालेल. आनंदात एकदम खूप मस्त. सो वी हॅव मोना दीदी अँड गोल्डी दीदी. गोल्डी दीदी, मोना दीदी कसं वाटतं लग्न झालं फायनली?
खूप खूप छान जवळ थोडा खूप खूप छान इतकं छान एन्जॉय केलं आम्ही 3 दिवस की असं खूप सुंदर लग्न झालं की सुंदर सोय सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित खाणं पिणं सगळ्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी टाईम टू टाईम आम्हाला सर्व केलं आणि एकदम निवांत बसणं आणि धिंगाणा मस्ती खूप केली. जर तुला एक आदिती आणि मोहितला मेसेज द्यायचा असेल तुम्हाला दोघींना काय द्याल? आदिती साठी लव्ह यू आदिती आणि दोघांना जर मेसेज द्यायचा आहे ना तर मी म्हणेल की बी ॲज युजल म्हणजे जसं तुम्ही आहात ना क्युटेस्ट कपल इन द वर्ल्ड आहे. तुम्ही जसे आहेत तसेच राहा आणि एंडपर्यंत असेच सुखी राहा एकमेकांना अशी साथ द्या सगळं व्यवस्थित जे तुम्ही लहानपणापासून जसे राहिला तसेच आणखीन शेवटपर्यंत असा संसार सुखानं हसत खेळत राहा. सो फाइनली शादी इज डन एंड वी आर लीविंग. अभी विदाई होने वाली है सो लेट्स गो. दी मोस्ट होलसम विदाई. ज्यादा रोना धोना नहीं, सब लोग इतने खुश है कि क्या बताऊं मैं आपको. हाय गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे. कल विदाई के बाद घर आते वक्त बहुत बहुत ज्यादा टाइम हो गया था और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कि मैं कुछ ब्लॉग करूँ या फिर आउटरो शूट करूँ इसका. एंड येस, बहुत ज़्यादा मज़ा किया. फाइनली दे आर मैरिड एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम. बीच बीच में आई नो कि मैं सब कुछ नहीं दिखा पाई बट इट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम. इफ़ यू बोथ आर वॉचिंग दिस वीडियो, मोहित एंड आदिति, कॉन्ग्रेचुलेशंस. क्योंकि मैं बाहर रहकर भी कभी बोल नहीं पाई कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर मैरिड नाउ, बट आई एम सो हैप्पी. क्या बोलूँ मैं, इतनी खुशी लाइफ में मुझे कभी नहीं हुई आई बिलीव. बहुत मज़ा आया. आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइज आर मैरिड, यू हैव हिट माइलस्टोन. ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहो, बी देयर फॉर ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर, रोमांस कभी ख़त्म मत होने दो. एंड येस, यही है मेरा सजेशन, यही है मेरे विशेस एंड आई रियली होप, आई प्रे टू गॉड एवरी सिंगल डे कि सब कुछ अच्छा हो और ज़्यादा अच्छा हो आप दोनों के साथ. सो या, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल, फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम. डू लेट मी नो वॉट वॉज योर फेवरेट मोमेंट फ्रॉम दिस ब्लॉग इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.